तो आज हम सीखेंगे ऑटोकैड में फिलेट कमांड और चैम्फर। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फिलेट से। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से फिलेट सेलेक्ट कर लिया। फिर ये पूछ रहा है फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ से हमें रेडियस में लेना है। यहाँ पे होता है पॉलीलाइन, रेडियस, स्ट्रीम, किसी भी मेथड में करना आप कर सकते। तो हमने रेडियस पे आर इंटर कर दिया। ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो हमने दे दिया इसको 1, फिर इंटर कर दिया। फिर दोस्तों ये पूछ रहा है फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इसको फर्स्ट इस पर क्लिक कर दिया। देन सेकेंड पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, ये हमारा चैम्फर ए फिलेट हमारा हो गया। फिर दोस्तों हमें करना हो तो फिर हम यहाँ से फिलेट कमांड लेंगे, फिर हम आर इंटर करेंगे, फिर हम रेडियस देंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर फर्स्ट एंड फर्स्ट, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हमारा फिलेट हो गया। फिर दोस्तों हमें इस कॉर्नर को करना हो तो फिर हमें आर इंटर करेंगे, फिर रेडियस देंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर हम फर्स्ट देन सेकेंड ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें फिलेट करना हो फिर हम फिलेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आर इंटर, फिर रेडियस देंगे, फिर इंटर करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा दोस्तों ये फिलेट हो गया रेक्टेंगल के चारों एंगल। तो देखिए दोस्तों, हमें एक एक कॉर्नर को फिर हम फिलेट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर रेडियस दे रहे हैं, फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें टाइम ज़्यादा हमारा लग रहा है। तो दोस्तों हम सीखते हैं फिलेट कैसे, एक बार हमें करने के बाद हमें बस एंटर और कॉर्नर सेलेक्ट करना रहेगा बस। देखिए दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने फिलेट कमांड सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ से रेडियस दे दिया 1, इंटर कर दिया। तो देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल, फिर हमने मल्टीपल पे क्लिक कर दिया और हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। बस हमें क्लिक करते जाना है कॉर्नर पे। हमारा ये 1 रेडियस का फिलेट होता रहेगा। देखिए दोस्तों, हमें रेडियस एक बार देना पड़ा और ये हमारा, बस हमें क्लिक करते गए, हमारा ये रेडियस 1 रेडियस का होता गया। तो देखिए दोस्तों, हमने सीखा अभी हम फिलेट कमांड, फिर हम सीखेंगे अब चैम्फर। तो यहाँ से एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। हमने बना लिया, फिर हम दोस्तों यहाँ से या कमांड से जा सकते हैं, फिर हम वैसे। फिर देखिए दोस्तों, ये हमारा चैम्फर सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस मेथड से हम कर सकते हैं, एंगल से कर सकते हैं, ठीक है, फिर ट्रिम से या एमई मेथड से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, फिर हम डिस्टेंस से भी हम सीखेंगे। तो मैं डिस्टेंस पर क्लिक किया, डी इंटर किया और हमने 10 mm का ले लिया डिस्टेंस। फिर हम सेकंड ले ले रहे हैं 10 mm। तो दोस्तों हम चैम्फर के लिए CHA इंटर ये लिख रहा है दोस्तों, फर्स्ट लाइन चैम्फर सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। और तो हम यहाँ डिस्टेंस मेथड से करेंगे, तो हम डी इंटर, हम यहाँ डिस्टेंस दे देते हैं 1, इंटर। फिर इसके बाद सेकेंड चैम्फर का भी 1 ही हम ले लेते हैं। फिर ये बोल रहा है फर्स्ट फिर सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चैम्फर हो गया। फिर ऐसे ही हमें डी इंटर 1 इंटर इंटर, फिर हमें फर्स्ट फर्स्ट देन फिर सेकेंड सेकेंड, फिर ऐसे करके सी एच इंटर डी इंटर, फिर हमें इसको ऐसे करके चारों कॉर्नर को 4 बार हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम मल्टीपल मेथड से अभी नहीं कर रहे हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, हम मल्टीपल मेथड से भी हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया। अब हम दोस्तों मल्टीपल मेथड से सीखेंगे। फिर हम चैम्फर कमांड लेते हैं, सी एच ए इंटर डी इंटर, डी हमें ये दे रहे हैं डिस्टेंस के लिए, चैम्फर की कितनी डिस्टेंस है, और इंटर, फिर हम 1 mm में ही चलेंगे, 1।
फिर हम सेकंड का भी हम वन ही लेंगे, और फिर हम यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक कर देंगे। फिर हम ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड, फिर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। देखिए दोस्तों ये हमारा बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल चैम्फर हो गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा फिलेट कमांड और चैम्फर कमांड। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे ब्लेंड कर्वेट्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।